राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बड़ी दुखांतिका सामने आई है। यहाँ विषाक्त हलवा खाने के बाद फूड प्वाइजनिंग से बालिका समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से बीमार हो गए। यह तथ्य भी सामने आया कि यह हलवा आंगनबाड़ी केंद्र से आए आटे से बनाया गया था। जानकारी के अनुसार भीलवाड़ा के ब्लाई खेड़ा गांव में शुक्रवार शाम को मोहनदान चारण ने घर पर आए मेहमानों को आंगनबाड़ी केंद्र से मिले आटे से हलवा बनाकर खिलाया। हलवा खाने के कुछ देर बाद ही सज्जन सिंह, उसकी पत्नी राधा, 3 साल की पुत्री मनुर और केसर की तबीयत खराब हो गई। इसके साथ ही लक्ष्मी, शक्तिदान, रुक्मणी और गोपी की हालत बिगड़ गई। इन सभी के उल्टी करने के बाद अफरा तफरी मच गई। इसी बीच घटना की सूचना पर एम्बुलेंस 108 मौके पर आ गई और सभी को तुरंत गंगापुर चिकित्सालय पहुंचाया गया। यहां चिकित्सकों ने मानुर को मृत घोषित कर दिया। वहीं अन्य सभी की हालत गंभीर होने पर उन्हें भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया। दूसरी ओर भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में उपचार के दौरान रुक्मणी, गोपी और केसर ने भी दम तोड़ दिया। इस बीच पुलिस उपाधीक्षक गोवर्धन लाल गंगापुर और अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर राजेंद्र सिंह कविया महात्मा गांधी चिकित्सालय पहुंचे। जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल ने भी यहां आकर भर्ती लोगों से जानकारी ली। शाम में ये सूचना मिली कि गंगापुर ब्लॉक में केला नामक एक गाँव है, जहाँ एक फैमिली थी जिनके पास कुछ गेस्ट आए हुए थे और वहाँ उन लोगों ने शाम में कुछ खाने के पदार्थ बनाए, हलवा वगैरह। इसको खाने के बाद तबीयत कुछ समय बाद बिगड़ी और फिर उनको इलाज के लिए जब पहले गंगापुर और यहाँ रेफर किया गया तो उसमें 2 बच्चों की और 3 एडल्ट्स की लाने के दौरान और यहाँ आने के बाद हॉस्पिटल आने के बाद डेथ हुई। अब तक की जांच में पुलिस गेहूं के साथ सल्फर पिसने की आशंका जता रही है। गंगापुर SHO का कहना है कि मामला फूड प्वाइजनिंग का है। मौके पर आंगनबाड़ी से मिलने वाले आटे की थैली मिली है। बताया जाता है कि इसी आटे से हलवा बनाया गया था। गंगापुर अस्पताल से डॉक्टर शरद नलवाया के नेतृत्व में चिकित्सक टीम ने खाने के सैंपल, आंगनबाड़ी के आटे और डिब्बे आदि से भरे सामान के सैंपल लिए हैं।